उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी वितरण संघ ऑफेड जिसको कहते हैं, उनके सहयोग से राष्ट्रीय आयुष योजना के अंतर्गत सेलर और बायट मीट का एक दिवसीय आयोजन आज यहाँ गाजीपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के 3-4 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए थे जिसमें गाजीपुर भी एक स्थान था। आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि कैसे आज गाजीपुर के विभिन्न अंचलों से आए हुए किसान बंधुओं ने जो औषधि पौधों की खेती करते हैं, जो फलों की खेती करते हैं, जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और ये गाजीपुर में बहुत गौरव आज मंच पर बैठ के महसूस हो रहा कि हमारे किसान ऐसे ऐसे किसान हैं जिनको 5-5 करोड़ रुपया आयुष मंत्रालय की तरफ से, अन्य विभागों की तरफ से, तमाम बड़े बड़े पुरस्कार भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिनमें बहनें भी खेती से जुड़ी हुई है, तो ये गाजीपुर का कहीं ना कहीं से सौभाग्य है। तो आज के बाद निश्चित ही यहाँ औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। जो बड़ी कंपनियां हैं उनको यहाँ इनवाइट किया गया है, डाबर, वैद्यनाथ, चंडू, जो ऐसे उत्पाद बनाती हैं, जो आयुर्वेद के दवाएं बनाती हैं, जो च्यवनप्राश बनाती हैं, तो निश्चित ही एक बाजार उपलब्ध होगा, तभी इनके उत्पाद का उनको बाजार मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, तो निश्चित ही इन खेती को बढ़ावा। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जरूरत से ज्यादा उत्पाद होंगे तो निश्चित ही हमको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। अब बनारस जैसा शहर आपके पड़ोस में है, बनारस से विदेशी, भारत के अलावा दुनिया के तमाम देशों को सब्जियां, इसमें विशेषकर गाजीपुर की जो मिर्च है वो जा रही है, तो बहुत सारी सब्जियों का, फलों का अब निर्यात की सुविधाएं हैं। बगल में रेलवे के द्वारा भी माधोपुर स्टेशन है, उस पर बहुत बड़ा टर्मिनल बनाया गया है, तो वहाँ रेल के द्वारा, यहाँ एयरपोर्ट के द्वारा भी हमारी चीजें दुनिया के अन्य देशों को भेजी जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था एसटीएफ जांच कर रही है, केंद्रीय सीबीआई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो भी अपराधी पाया जा रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। लोग जेलों में पहुंच गए हैं। आप रोज अखबार, मुझसे लगता है कि मुझसे ज्यादा जागरूक आप लोग हैं, हर खबर पे निगाह, जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। विरासत उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो लोग खानदान की राजनीति करते थे, परिवार की राजनीति करते थे और राजनीति को अपनी विरासत समझते थे, वो तिलस्म टूटने लगा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसे फैसले किए हैं। फैसले आपको बता देंगे कि ये परिवारवाद टूट रहा है और ये विरासत टूट रही है।